वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार किया कि पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। लेवी का जो टारगेट है 750 अरब रुपए का, वो कम नहीं किया है आईएमएफ। अगर आपने 750 अरब रुपए कमाने हैं तो आपने तकरीबन 35 रुपए 1 जुलाई से लगाने हैं 30 जून 2023 तक। 50 पैसे 37 रुपए 50 पैसे, चले आपने और इसको एक्यूरेट कर दिया, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं 5-5, 10-10 रुपए पे आईएमएफ को कन्विंस कर चुका हूँ। तो अगर कन्विंस कर चुके हैं तो 750 अरब रुपए तो नहीं कलेक्ट हो सकता, फिर कर सकते हैं कलेक्ट। तो आप क्या 37-50 से ऊपर लेके जाएंगे? तो ऊपर लेके जाएंगे। अब जब पेट्रोल अल्लाह ने चाहा तो, मतलब देखें जैसे कि आज 106 का हो गया, अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जब मुझे रूम मिलेगा तो हम थोड़ी सी टैक्स लेवी बढ़ा देंगे। अब वो 30 की लिमिट खत्म हो गई है, 37 रुपए 50 पैसे से ऊपर भी लिमिट 50 है, अब लिमिट 50 हो गई है। तो आप ये कह रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई करेक्शन आती है और वहां पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आती है और हमारे पास अगर 50 रुपए तक कभी रूम होगा तो वो आप आवाम को पास ऑन नहीं कर सकेंगे, वो 50 रुपए आप लेवी की मद में लगा देंगे। इसी को प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट कहते हैं कि मैं अपने मुल्क को थोड़ा सा इस्तेहकाम दूंगा।